केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के तहत आज मतदान का दिन है। सुबह 7 बजे से केदारनाथ विधानसभा में वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत 3 निर्दलीय प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज जनता ईवीएम मशीन में कैद करने जा रही है। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने 173 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिनमें सुबह से लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि शुरुआती घंटों में विधानसभा में पोलिंग हल्की देखी गई है। उम्मीद है कि दोपहर के बाद पोलिंग प्रतिशत बढ़ेगा। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने अगस्त्यमुनि में पोलिंग बूथ और वेबकास्टिंग हॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। और अभी मैं चमेली, हमारा विधानसभा क्षेत्र में ही है बूथ, उसको मैं निरीक्षण के लिए आया था, तो सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ हो गया है। सर, कि बेसिकली जो माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आएँ इस अपनी महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें, तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है, जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं, जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग उसमें मतदान कार्मिक हैं। और उसके साथ हमारे यूथ मैनेज बूथ है, कुछ यूनिक भी बूथ हैं जो हमारे ऐसे बूथ हैं जो बहुत दूर हैं, मनसुना जैसे बूथ है, उसको भी हमने इस में विकसित किया है, जिससे कि लोगों को इसके बारे में हम और जागरूकता फैला सकें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना 23 नवम्बर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत TV।